गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट के सम्स। इन इनपुट टू नंबर्स फाइंड द सम ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। पहले हमने स्टार्ट, फिर इनपुट लेनी है एक्स और वाई। वैल्यू हमने कौन सी ली है? एक्स और वाई। और सम के लिए हमने एस इक्वल टू एक्स वाई ली है। मल्टीप्लाई के लिए हमने एम मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई ली है। डिवाइड के लिए डी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई ली है। प्रिंट कराने के लिए हमने एस एम और डी लिया है। फिर हमने प्रोग्राम को स्टॉप करना है। ये इसी फॉर्मेशन से चलती है। उससे पहले मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी। ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द स्वैपिंग कंटेंट ऑफ द टू वेरिएबल्स। हमें पता है कि हमने स्वैप करना है। स्वैप क्या होता है? इंटरचेंज करना वैल्यू को, आपस में बदलना। हमारे पास जैसे थ्री बाउल है, 1, 2 एंड 3, दो फिल किए हुए हैं। हमने इनको आपस में चेंज करना है। अगर उसके लिए हमारे पास खाली कंटेनर होगा तभी हम उसको स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि ये ए कंटेनर है, ये बी है, ये सी है। अगर हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो हमारा ए कंटेनर खाली हो जाएगा, यानी कि टेम्प हो जाएगा, और बी कंटेनर वाला है वो हम इंटरचेंज करेंगे ए में। तो जो सी वाला है, ए में मटेरियल जो था हमारा सी में चला गया था, सी को फिर हम कन्वर्ट करेंगे बी में। तो इस तरह से वैल्यू हमारी स्वैप हो सकती है। वैसे ही स्टार्ट, इनपुट एक्स वाई और जेड, और टेम्प एक्स। हमने एक्स टेम्प कौन सा लिया है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई के बराबर है। तीनों बोल अगर सेम थे तभी मटेरियल उनका बीच में उनके मटेरियल सेंड हुआ। तो वैसे ही हमने वाई को टेम्प किया, वाई वाला किस में चला गया? एक्स में चला गया। और प्रिंट हमने क्या करवाना है? एक्स और वाई। प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही थर्ड है हमारा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट थ्री नंबर्स ए बी सी। स्टार्ट, नेक्स्ट इज रीड ए बी सी। ए बी सी को रीड करें। उसने हमें बोला है कि लार्जेस्ट वैल्यू चार्ट के थ्रू हमने फाइंड आउट करनी है। हमने इसलिए ए और बी सी लिया है। यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी है। तो वैसे ही अगर हमारा यस में आंसर आता है तो हमारा प्रिंट क्या हो जाए? जो इसमें से ग्रेटर है। तो बी ग्रेटर हुआ, हमारा प्रिंट बी हुआ। इसमें ए ग्रेटर बी है, तो अगर बी ग्रेटर देन नहीं था वो आगे चला जाए ए ग्रेटर देन बी पे। इन दोनों में से अगर कोई भी बड़ा नहीं है तो प्रिंट क्या हो जाए? सी हो जाए। ऐसे ही ए ग्रेटर देन सी है, अगर वो वैल्यू ए से बड़ी है सी, तो प्रिंट हो जाए ए, नहीं तो सी प्रिंट हो जाए। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। थर्ड हमारा है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड अ सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। हमारी काउंटिंग है, जो नेचुरल नंबर है जीरो से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग हमारी आगे जाती रहती है। तो जब हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारी आउटपुट 1 आएगी। 1 में अगर 1 को प्लस करते हैं तो 2 आती है, 2 में 1 को प्लस करते हैं तो 3। सो ऐसे हमारी काउंटिंग चलती रहती है। तो वैसे ही हमने स्टार्ट सम 0 लिया है। नेचुरल नंबर हमारा 0 से हमने स्टार्ट किया है। एन इक्वल टू एन प्लस 1 हो जाए, यानी कि नेचुरल नंबर में 1 प्लस हो जाए, तो उसका सम एन प्लस 1 होता जाए। अगर वो 50 तक पहुंचता है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। इफ एन इक्वल टू 50, अगर यस आ गया, 50 आंसर आ गया हमारा, 50 तक काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो वो स्टॉप हो जाए प्रोग्राम। वैसे ही हमारी एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फर्स्ट नंबर पे आता है कम्युनिकेशन। इट इज बेटर वे टू कम्युनिकेशन द लॉजिकल ऑफ द सिस्टम टू ऑल द कंसर्न। जो हमारा बेटर कम्युनिकेशन है, अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है हमने सॉफ्टवेयर के साथ कैसे बनानी है। थर्ड है इफेक्टिव एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इन द मोर इफेक्टिव वे। और हमारे जो प्रोग्राम है उनको वो अच्छी तरह से इफेक्टिव वे से एनालाइज करता है। इफेक्टिव कोडिंग, इट हैज इफेक्टिव कोडिंग। इसमें इफेक्टिव कोडिंग होती है और प्रॉपर कोडिंग करता है। इट इज
हेल्प इन द डिबगिंग प्रोसेस।